हेलो बालक, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मज़े में होगे, जम के पढ़ाई कर रहे होगे। तो आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ मैं सुमित परासर FMSM के फास्ट ट्रैक क्लासेस में। FMSM की अगर हम बात करें तो ग्रुप टू CA इंटर ग्रुप टू का ये डिसाइडिंग पेपर है। हालांकि एग्ज़ाम होने के बाद भी न्यू सिलेबस में कुछ मिसकंसेप्शंस कुछ बच्चों को ज़रूर है कि बहुत ईजिली इस पेपर को हम क्रैक कर सकते हैं, और इस चक्कर में वो किसी एक पेपर को क्या करते हैं, कम ध्यान देते हैं। जब हम FMSM की बात करते हैं तो 50 एंड 50 मार्क्स का आपका दो सब्जेक्ट को कंबाइन करके एक पेपर बना है 100 मार्क्स का, और इंडिविजुअली आपको पास करने की ज़रूरत नहीं होती है। और यहीं से पहला जो आप कहते हैं ना गलत कदम उठाने की कोशिश बच्चे करते हैं, वो क्या गलत कदम है। तो पहला गलत कदम ये होता है कि अगर इंडिविजुअली पास नहीं करना और मैंने FM में अगर 50 स्कोर कर लिया तो SM से मुझे कितना चाहिए, बहुत कम चाहिए। और कुछ ऐसे भी कलाकार होते हैं जो सोचते हैं अगर मैंने SM में अच्छा स्कोर कर लिया तो FM से क्या चाहिए, बहुत कम चाहिए। और हम क्या करते हैं, सिलेबस को सेलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्या इस बात में कोई सच्चाई है कि अगर मैं FM के 9 चैप्टर में से सिर्फ 5 चैप्टर करूँ और SM के 5 चैप्टर में से सिर्फ 3 चैप्टर करूँ तो मैं एग्ज़ाम पास कर जाऊँ? जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है, राइट? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। लेकिन तब क्या हो जब एग्जामिनेशन हॉल में जिन चैप्टर्स को हमने सेलेक्ट किया उस चैप्टर के क्वेश्चन में हम अटक जाएं? अगर ऐसा हुआ, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? ये भी पॉसिबल है, दोनों ही बातें पॉसिबल है। अगर ऐसा हुआ तो बैड एक्सपीरियंस होगा। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको इस बैच के शुरू करते ही सबसे पहली बात जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट दोनों 50-50 नंबर का पेपर है और दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। हमारा काम है उसे बैलेंस करना। जब हम FM की बात करते हैं ना इंटर लेवल पे, तो ये बेसिक है बालक। इसी का एडवांस फॉर्म आप फाइनल में पढ़ते हैं एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से, तो यहाँ आपको इंटरमीडिएट लेवल पे बेसिक ही पढ़ना है। बट चूंकि ये सिर्फ 50 नंबर का रह गया है, पहले ये 60 नंबर का था, 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता था, तो इंस्टीट्यूट के पास बहुत स्कोप था। लेकिन अब ये सिर्फ 50 नंबर का पेपर हो रहा है, 50 नंबर का आपको आंसर करना, यू विल गेट एन ऑप्शन, राइट? बट 50 मार्क्स में ही आपका क्या होगा, आपका इवैल्यूएशन होगा। तो 50 मार्क्स में अगर आप जाते हो तो वो बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, उन्हें छोटे क्वेश्चंस पूछने होंगे। और उस 50 मार्क्स पे भी तो 15 को तो आप पहले ही बाहर कर दो क्योंकि वो MCQ होता है। तो सिर्फ 35 मार्क्स मिलते हैं उनको, और 35 मार्क्स को वो 9 चैप्टर में सेट करेंगे। सो अब आप समझ सकते हो कितना डिफिकल्ट टास्क है। तो क्वेश्चंस छोटे आते हैं और कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, और अगर छोटे क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेट होते हैं उसमें कोई ऐसा डेटा आइटम अगर डाला जाए तो फिर वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में उस प्रेशर में सॉल्व करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अपने FM की तैयारी करेंगे। तो वी विल स्टार्ट थिंकिंग ऑन दैट लेवल कि अगर वो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हमें फंसाना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, एंड वी विल डिकोड दैट 100%। टॉक अबाउट SM, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का भी यही हाल है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी को किसी भी लेवल पे ले जाया जा सकता है। ये भी पॉसिबल है कि ज़्यादातर बच्चों को क्वेश्चन समझ में ही ना आए कि पूछ क्या रहा है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो क्या मैक्सिमम हो सकता है उसको ध्यान में रखते हुए हम SM की भी तैयारी करेंगे। सो रूल नंबर वन हमारा क्या है कि हम दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे। और अभी हम कोई शॉर्ट लिस्टिंग नहीं करेंगे, आपका ये फास्ट ट्रैक बैच है, हम कोई शॉर्ट लिस्टिंग नहीं करेंगे। हालांकि मैं आपको एक बात कह देता हूँ कि आपको इंट्रोडक्शन में ही समझ में आ जाएगा, अभी आज के लेक्चर में ही समझ में आ जाएगा। दिस इज योर लेक्चर नंबर वन, आज के लेक्चर में ही समझ में आ जाएगा कि आपको किन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, बट सेलेक्शन नहीं। हालांकि ग्रेजुअली एंड स्लोली जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको मार्क करता हुआ चलूंगा, अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है। ये बैच जनवरी अटेम्प्ट के लिए टारगेटेड है। हालांकि अगर आपने पहले कभी FMSM को देख रखा है तो आप, और मई में आप अपीयर होने जा रहे हैं, तो मई के लिए भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, करेक्ट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, ठीक है? हम किसकी बात करें, एंड दिस इज योर फास्ट ट्रैक बैच, में पहले ही बता दूं, दिस इज योर लेक्चर नंबर वन। CA इंटर ग्रुप टू की अगर हम बात करें और जिस पेपर को हम पढ़ने जा रहे हैं बालक, ये पेपर इजिएस्ट पेपर इन द वर्ल्ड है, दुनिया का सबसे आसान पेपर है। तो आप बोलोगे सर अगर ये सबसे आसान है तो आपने कहा कि इट मे बी कॉम्प्लिकेटेड। सो इवन इजिएस्ट पेपर मे बी कॉम्प्लिकेटेड, इवन इजिएस्ट पेपर मे बी डिफिकल्ट टू पास। ये सबसे आसान पेपर तब है जब आपका अप्रोच क्या हो, सही हो। और सही अप्रोच क्या है, इक्वल कंसंट्रेशन ऑन बोथ पेपर FM एंड SM।
सो पेपर सिक्स है, दो पार्ट में है हमारे पास। सिक्स ए में आपके पास है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सिक्स बी में आपके पास है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी 50 मार्क्स के हैं, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट भी आपका 50 मार्क्स का है, तो इक्वल है। सो दोनों को आप जब देखोगे यू विल हैव अ पेपर ऑफ व्हाट 100 मार्क्स। इसमें आपको पास करना होता है, इंडिविजुअली पास करना जरूरी नहीं है एज आई टोल्ड यू। मतलब ये जो बैच है, इस बैच की अगर हम बात करें तो आपका जो बैच मोड है दैट इज लाइव और जीडी। आप इसे लाइव में देख सकते हैं थ्रू ऐप, यू विल बी गिवन एक्सेस टू द मोबाइल एप्लीकेशन। उस मोबाइल एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल फोन पे भी चलता है और वो एप्लीकेशन आपके लैपटॉप पे भी चलेगा इफ यू विश टू हैव ऑन द लैपटॉप। सो बैच मोड लाइव में है और गूगल ड्राइव के थ्रू भी आप बैच का एक्सेस ले सकते हैं। कंप्लीशन डेट आपका 14th ऑफ दिसंबर होगा। स्टडी मटेरियल में यू विल बी गिवन अ टेक्स्ट बुक और आपका एमसीक्यू बुक होगा, लेकिन एमसीक्यू बुक आपका पीडीएफ में होगा। दीज आर द बैच फीचर्स। टाइमिंग आपका 6 PM टू 8 PM का होगा। अगर आप लाइव में है तो 6 PM से 8 PM के बीच में आप इसको एक्सेस कर लोगे। इट विल बी डिस्प्लेड ऑन योर ऐप, आप आसानी से क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। नाउ दिस बैच कैन बी एक्सेस थ्रू अ डेडिकेटेड ऐप जिसपे सिर्फ लेक्चर्स होते हैं, या आप एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं पराशर पाठशाला का गूगल प्ले स्टोर से, यहाँ से भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। और सारे ऑप्शंस हैं बेसिकली जब आप ऐप अपने लैपटॉप पे लेते हो या मोबाइल पे लेते हो टू एक्सेस द क्लासेस, इट हैज़ ऑल ऑप्शंस। जैसे आपका स्पीड मैनेजमेंट है, अगर आप 1 क्रॉस 1.5 क्रॉस 2.5 क्रॉस या 1.5 क्रॉस में अगर आप देखना चाहते हैं, स्पीड बढ़ा के देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि भले ही फास्ट ट्रैक है बट मेरा स्पीड तो नॉर्मल होगा बिकॉज आई विल बी कंसीडरिंग ऑल ऑफ यू। है ना, आप में से कुछ बच्चों को बड़ी जल्दी समझ में आ जाएंगी बातें, कुछ को हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, तो मैं अकॉर्डिंगली आगे बढ़ूंगा। आप अपने स्पीड को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो अपने आप के थ्रू। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड का भी ऑप्शन है, मान लो कोई कॉन्सेप्ट आप रिपीट करना चाहते हो तो आप उसी लेक्चर में बैकवर्ड कर सकते हो, आपको उसकी परेशानी नहीं होगी। किसी भी तरह का क्वेरी आया, रेजोल्यूशन इज देयर, टेक्निकल सपोर्ट आपके पास रहेगा हमेशा, और बैकअप लेक्चर्स के अवेलेबल होंगे। लाइव में अगर आप ले रहे हो ना क्लास, फिर दिमाग में आएगा कि सर अगर बैकअप का इशू आया तो बैकअप आपके लिए अवेलेबल है, कोई क्लास अगर मिस होता है तो यू विल गेट द बैकअप एज वेल, करेक्ट। ये तो बात हो गई बालक किसकी, बैचेस की। ये होगी बात किसकी, बैचेस की, बैच से रिलेटेड जो भी आपके फीचर्स थे। लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट FMSM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, इजीएस्ट पेपर इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे आसान पेपर, ट्रस्ट मी। है ना, फोड़ देंगे इसको, बट स्ट्रक्चर्ड रहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, सिस्टमेटिक रहेंगे। है ना, और इस बैच के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। है ना, जबरदस्त है एक तरीका कि एग्जाम से कुछ दिन पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, हालांकि इस बार जो मैंने क्वेश्चन की लिस्ट दी थी उसी लिस्ट से सारे क्वेश्चन आए थे, तो डेफिनेटली मैं भी दूंगा एग्जाम से ठीक पहले, बट मैं एग्जाम से ठीक पहले दूंगा, राइट। बट आपको करना क्या चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि आपकी तैयारी ऐसी हो कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट की आवश्यकता ही ना हो। है ना, सो वी आर टॉकिंग अबाउट FMSM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बालक, ऑल टुगेदर वी हैव 9 चैप्टर्स है। पहले क्या था उससे हमें क्या मतलब, है ना, पहले कॉस्टिंग के साथ FM हुआ करता था, कॉस्ट FM करके, फिर इको के साथ FM आया FM इको करके, अभी SM के साथ FM आया FMSM करके। है ना, तो इट्स लाइक टमाटर सर, है ना, टमाटर होता है ना जो किसी भी सब्जी में डाल दो, कुछ ऐसा हो गया है क्या, किसी के साथ मैच कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, रिलेटेडनेस है, तभी साथ में लाया गया है दोनों पेपर को। तो पहले की बात छोड़ देते हैं, हमारे सिलेबस में 9 चैप्टर्स हैं। सो वी हैव ऑल टुगेदर व्हाट 9 चैप्टर्स इन आर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड 5 चैप्टर्स इन आर SM। फिर मैं कहता हूँ SM में भी पहले की बात छोड़ दो, है ना, हमारे पास सिर्फ कितने 5 चैप्टर हैं, सो टोटल 14 चैप्टर्स हैं आपके पास, 14 चैप्टर्स हैं आपके पास। टारगेट अटेम्प्ट इज जैन 25 एंड ऑनवर्ड्स एंड योर टारगेट मार्क्स इज 85+। इससे कम का टारगेट मत करना कि 85-90 मार्क्स मुझे लाना है, 85 से ऊपर ही जाना है मेरा, जो लोएस्ट मार्क्स जो हम सोचेंगे भी दैट शुड बी 85, इससे नीचे नहीं जाना है। और कैन इट बी डन, इट कैन बी डन वेरी इजीली, बहुत आसानी से करा जा सकता है अगर आपका दोनों पेपर बैलेंस हो तो, ये आप कर सकते हो, ठीक है। और वैसे मैं बताऊं कि आपको 50 नंबर लाने के लिए जितनी मेहनत करनी होगी, एग्जेम्प्ट करने के लिए जितनी मेहनत करनी होगी, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर दोगे, ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ लोगे, आप 85 ले आओगे। है ना, सो बात बराबर है, आप पास करने के लिए मेहनत करो या 85 लाने के लिए मेहनत करो, चॉइस इज योर्स। मुझे पक्का भरोसा है
इस बात का कि आपका भी टारगेट क्या होगा, 85+। अच्छा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये शीट तो आपके ऐप में अवेलेबल होगा, गूगल ड्राइव में शीट होगा, ये शीट आप डाउनलोड कर लोगे, राइट। और बाकी जो हम आगे लिखेंगे वो आपको नोट करने की ज़रूरत होगी, आपका एक समरी नोट्स बनता जाएगा क्लास में, इस बात का ध्यान रखना। नाउ सी दिस, एफएम में हमारे पास टोटल 9 चैप्टर्स हैं, तो सिलेबस देखना चाहोगे क्या आप? एक्चुअली मैं पहले ही बता दूं कि सिलेबस को याद करने की कोशिश नहीं करनी है हमें, कि मुझे लर्न हो जाए कि मेरे किस चैप्टर में किस चैप्टर का नाम क्या है। आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये कोशिश नहीं करनी है कि आपको याद हो जाए, याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है अभी तो फिलहाल, बिल्कुल भी नहीं। सो एफएम में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऑल टुगेदर वी हैव 9 चैप्टर्स हैं हमारे पास। पहले चैप्टर का नाम है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। इन दिस चैप्टर यू विल गेट द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेकिन एक बार पता है आपको, फाउंडेशन हमेशा बहुत अच्छा होना चाहिए। कभी घर बनते हुए देखा है कहीं? घर बनते हुए देखो, फाउंडेशन को लेके ओनर बड़ा चिंतित होता है। कोई भी होशियार आदमी, कल के डेट में आप क्वालिफाई करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो और फ्लैट ना लेके मान लो आप खुद का बंगलो बनवाते हो, तो एक चीज को लेके आपको हमेशा कंसर्न रहेगा कि फाउंडेशन कैसा है। फाउंडेशन को लेके हमेशा कंसर्न होता है, और यही बेसिकली आपका चैप्टर का क्या है, आपका सिलेबस का फाउंडेशन है। हालांकि चूंकि ये थ्योरी है तो आपको मजा नहीं आएगा, मैं पहले ही बता दूं, बट कॉन्सेप्ट इतने इंटरेस्टिंग है ना, मजा आएगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि मजा नहीं आएगा, बट हाँ एक दिमाग में रहता है कि सर ये तो थ्योरी चैप्टर है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा मैं। एनीवे, सो दिस इज द फाउंडेशन, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ योर सिलेबस। देन यू गो फॉर द टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। नाउ टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है वी हैव टू सी कि क्या सोर्सेज हैं हमारे पास बिजनेस को फंड करने के लिए। सो इन आर बिजनेस वी विल बी नीडिंग कैपिटल, वी विल नीडिंग फंड, वो पैसा कहाँ से आएगा। सो वी हैव डिफरेंट सोर्सेज, हर एक सोर्सेज के अपने फीचर्स हैं, हर एक सोर्सेज के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। कहीं हो सकता है आपको ज़्यादा रेट देना पड़ जाए, कहीं हो सकता है आपको सस्ता फंड अवेलेबल हो जाए। सो दे आर डिफरेंट सोर्सेज, हो सकता है किसी सोर्सेज से किसी और तरह का ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाए। तो इस चैप्टर में आपको क्या किया गया है कि फाइनेंसिंग के जितने भी सोर्सेज हैं ना, उन सोर्सेज को हमने डिटेल में डिस्कस करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों चैप्टर जो है ना, ये फ्यूचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पता है क्या होगा, जब आप फाइनल में जाओगे और जब आप एएफएम पढ़ना शुरू करोगे तो मैं आपको वहां यही कहूंगा कि ये तो तुमने इंटर में पढ़ा होगा। आप बोलोगे हाँ पढ़ा था क्या? हाँ पढ़ा था, राइट। सो वो आगे भी आपको काम आएगा और लाइफ टाइम काम आएगा। बट ये दोनों ही क्या है, प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में डील करता है। देन वी गो फॉर द रेशियो एनालिसिस। चैप्टर 3 इज द फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग। तो रेशियो एनालिसिस में वी विल स्टडिंग अबाउट रेशियोज, एंड रेशियो हैज वेरी क्रिटिकल रोल व्हेन इट कम्स टू द एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट्स एंड टेकिंग डिसीजंस। जब भी आप डिसीजन लेना चाहोगे ना, तो आप देखोगे रेशियो का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो रेशियो एनालिसिस को हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। देन वी हैव द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब जैसे हमने कहा था कि वी हैव डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड जो हम चैप्टर 2 में पढ़ते हैं, तो उन सोर्सेज ऑफ फंड से अगर हम पैसा उठाते हैं, मान लो इक्विटी से हमने फंड रेज किया या हमने डेट से फंड रेज किया, तो उसका कॉस्ट क्या आएगा, उसका कॉस्ट हमें क्या आएगा, उसका कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। सो दैट विल बी कवर्ड इन चैप्टर नंबर 4, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एंड देन देयर इज द फाइनेंसिंग डिसीजन कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर। ये सिक्वेंस इंस्टीट्यूट का है, राइट। और ये सिक्वेंस इंस्टीट्यूट का है, रेगुलर क्लासेज में मैं इसी सिक्वेंस में आपको पढ़ाता हूँ, बट ये फास्ट ट्रैक है तो मैं सीक्वेंस चेंज करूंगा। उसका भी लॉजिक मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं सीक्वेंस क्यों चेंज कर रहा हूं। सो फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर यहां देखेंगे। देन आफ्टर वी हैव द चैप्टर 6 इज द लीवरेजेस। लीवरेज इज अबाउट यूज ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट टू एलिवेट और इंक्रीज द रिटर्न। सो वी विल सी द लीवरेज इन चैप्टर 6। देन वी हैव द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड द डिविडेंड डिसीजंस इज चैप्टर 8। एंड 9th में आपका आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो इस तरह से आपके पास टोटल 9 चैप्टर्स है इन व्हाट एफएम। एंड लाइक इन एसएम यू हैव ओनली 5 चैप्टर्स। एसएम में आपके पास कितने चैप्टर हैं टोटल? 5 चैप्टर हैं टोटल। पहला है इंट्रोडक्शन टू एसएम, राइट। दूसरा है स्ट्रेटजिक एनालिसिस, जिसमें आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालिसिस सीखोगे। फिर है स्ट्रेटजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट का। तो चैप्टर 2 और 3 जो है ना, दिस इज अबाउट एनालिसिस, स्कैनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। बट मैं एक बात आपको और बता दूं, आप चैप्टर के नाम से ना कंफ्यूज मत होना, मिसगाइड मत होना, क्योंकि इसमें सिर्फ एनालिसिस की बातें नहीं हो रही है, स्ट्रेटजीज भी हैं इन चैप्टर्स में। उन्होंने किया क्या है, वैसे पहले जो चैप्टर्स में स्ट्रेटजी का चैप्टर अलग होता था, एनालिसिस का चैप्टर अलग होता था, उनको उन्होंने क्या किया है, मिक्स मैच कर दिया है, ढेर सारे नए कॉन्सेप्ट डाले हैं, कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स को हटाया है और एक बिल्कुल नई चीज़ उन्होंने क्रिएट की है इंस्टीट्यूट में।
सो हमें यहाँ से मिसगाइड नहीं होना है, हमें है ना, मिसलीडिंग है हेडिंग, क्योंकि हमें लगता है कि हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ही पढ़ेंगे, नहीं बालक, इसमें और भी बहुत कुछ पढ़ना है। एंड चैप्टर 3 इज इंटरनल एनवायरनमेंट, देन वी गो फॉर द स्ट्रेटजिक चॉइसेस। स्ट्रेटजिक चॉइसेस इज अबाउट व्हाट चॉइसेस यू हैव इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजी, व्हाट वी कॉल द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। बिजनेस में जब मेरे को अप्लाई करना है कोई स्ट्रेटजी तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, दैट व्हाट द स्ट्रेटजिक चॉइसेस इज ऑल अबाउट। सो हियर यू विल बी टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटजीज इन चैप्टर। और जैसे ही आपने स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर लिया, यू आर क्लियर अबाउट द स्ट्रेटजिक चॉइसेस, देन यू गो फॉर द स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। 5 चैप्टर हैं, ट्रस्ट में ये 9 चैप्टर और ये 5 चैप्टर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द बैच 14 दिसंबर को होगा, राइट। आपका ये पूरा सिलेबस आपके फिंगर टिप पे होगा, आपसे कुछ भी एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं पूछा जाएगा जो आपके क्लास में कवर्ड ना हो, बिकॉज आई एम गोइंग टू कवर 100%, राइट। सो हम अपने बैच को स्टार्ट करेंगे FM से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। वी विल स्टार्टिंग विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत ज़्यादा थियरी कॉन्सेप्ट नोट्स मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक बैच है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नोट्स मैं आपको नहीं दूंगा, लेकिन मैं PDF को भी अंडरलाइन नहीं करूंगा। तो आपका होगा क्या कि आपकी एक समरी नोट्स बनने जा रही है इस फास्ट ट्रैक में, और वही समरी नोट्स आपको फाइनल रिविजन करके एग्जामिनेशन में जाना है, राइट। और साथ ही साथ आपका टेक्स्ट बुक है, जहां भी मुझे रेफर करना होगा मैं आपके टेक्स्ट बुक को रेफर करूंगा। आगे बढ़े, तो चलो लेट्स बिगिन। विल स्टार्ट विद द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 50 टारगेट बड़ा प्लेन है आपका, 50/50, 50 में 50 लाने का टारगेट आप यहां कर सकते हो। आप बोलोगे सर 15 नंबर का तो MCQ होता है ना, 35 नंबर का, आउट ऑफ दिस 50 यू विल सी दैट 35 का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा प्लस 15 का MCQ होगा। सेम विल हैपन इन द केस ऑफ SM, 35 का डिस्क्रिप्टिव होगा 15 का MCQ होगा। तो इस 15 के MCQ में बालक पता है आपको होता क्या है, एक MCQ जो होता है ना केस बेस्ड, वो प्योर क्वेश्चन होता है, और बाकी के MCQ भी आसानी से आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो व्हेन यू आर डन विद द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ना, तो MCQ इज ऑलरेडी डन, यू हैव टू थिंक लाइक दैट, इट इज ऑलरेडी कवर्ड, उसके लिए कुछ अलग से स्ट्रेटजी नहीं चाहिए, बिकॉज वट एवर दे आर आस्किंग इन एग्जाम, सो दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट एंड द नॉलेज एंड द फैक्ट। सो अगर नॉलेज बेस्ड MCQ है, फैक्ट बेस्ड MCQ है, और एक बात तो पता है ना आपको, ICI कितना भी यू नो डिफिकल्ट क्वेश्चन सेट कर ले, कितना भी फेल करने वाला पेपर सेट कर दे, बट एक काम वो कभी नहीं करते, क्या वो कभी भी सिलेबस से बाहर नहीं जाते। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज फ्रॉम सिलेबस, स्टडी मैट से ही सारे क्वेश्चन आते हैं, ये तो मानोगे। हमें कुछ नहीं करना, हमें उसी दायरे में रह के ऑल पॉसिबिलिटीज को कवर करना है, और एक बार अगर हमने ऐसा कर दिया तो डेफिनेटली कुछ भी आपसे बाहर नहीं जा सकता। सो 15 के बारे में हम सोच ही नहीं रहे, हम पूरे 50 को लेके चल रहे हैं। 15 के लिए अलग से कोई स्ट्रेटजी नहीं है हमारे पास। 50 की तैयारी करो आप, डिस्क्रिप्टिव को डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा MCQ भी। टारगेट इज प्लेन 50/50। नाउ सी द वेटेज, दिस इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर हियर। नाउ वेटेज की बात करते हैं। देखो इंस्टीट्यूट ने हमारे FM को 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। किसने डिवाइड किया भाई, तो आप बोलोगे सर ICAI ने। कितने सेक्शन में डिवाइड किया है, 4 सेक्शन में डिवाइड किया है, Section 1, 2, 3 and 4। और इन सेक्शन में यू कैन पुट डिफरेंट चैप्टर्स, और कलेक्टिवली सेक्शन का क्या वेटेज है, वी हैव टू फोकस ऑन दैट। तो हम इस बात पे फोकस नहीं करेंगे कि चैप्टर का क्या वेटेज है, हम फोकस करेंगे इस बात पे कि सेक्शन का क्या वेटेज है, और उसी वेटेज के हिसाब से वी आर गोइंग टू डू आर प्रिपरेशन। कहने का मतलब हम ठीक उसी तरह से प्रिपेयर करने जा रहे हैं इस बैच में जो इंस्टीट्यूट को चाहिए, जो इंस्टीट्यूट ने बोला है कैसे कर लो हम वैसे ही करेंगे। तो 4 सेक्शन में आपके FM को बांटा गया है। Section 1 जो है दैट इज अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। सो व्हेन वी टॉक ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट यू विल सी दैट ओके फाइनेंशियल मैनेजमेंट देन दैट शुड बी Chapter 1। क्या होना चाहिए Chapter 1, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो FM क्या होता है, FM के क्या फंक्शंस हैं, क्या मेजर डिसीजंस हैं, क्या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या स्कोप है, ये सब हमें पढ़ना है Chapter 1 में। तो Section 1 में पहला आ गया हमारा Chapter 1, जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव की बात करता है।
एंड देन वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल एनालिसिस. एंड व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल एनालिसिस वी हैव अ चैप्टर कॉल्ड एज फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग और रेशियो एनालिसिस. दैट इज योर चैप्टर नंबर थ्री. सो चैप्टर नंबर वन प्लस चैप्टर नंबर थ्री, ये दो चैप्टर मिलकर बनाया मेरा सेक्शन वन. और इसका जो वेटेज है बालक एज पर द इंस्टीट्यूट दैट इज ऑफ 10% to 15%. इन दो चैप्टर से आपको 10% से 15% का वेटेज दिखाई देगा. अब सवाल आता है कि सर 10% से 15% का 5% का रेंज मिला, अब डेविएशन क्या हो सकता है? तो डेविएशन जो मैक्सिमम डेविएशन होगा दैट विल बी ±5%. मैक्सिमम डेविएशन ±5% का मैक्सिमम डेविएशन आपको देखने को मिलेगा. ध्यान से सुनो मेरी बात को, कौन कह रहा है? ये इंस्टीट्यूट कह रहा है मैक्सिमम डेविएशन ऑफ 5%. तो सेक्शन वन में आ गया आपका चैप्टर वन एंड चैप्टर थ्री. सेक्शन टू इज अबाउट फाइनेंसिंग डिसीजन एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो इन दिस वी हैव चैप्टर नंबर टू जहां आप फाइनेंसिंग की बात करते हो, चैप्टर नंबर फोर जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, चैप्टर फाइव कैपिटल स्ट्रक्चर, चैप्टर सिक्स लीवरेज. और ये चार चैप्टर का जो कवरेज है ना, वेटेज है ना, दैट इज 45% to 50%. 45% to 50% का वेटेज आपको सिर्फ चार चैप्टर से मिल रहा है. वन इज फाइनेंसिंग, सेकेंड इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, थर्ड इज कैपिटल स्ट्रक्चर, फोर्थ इज लीवरेज. इन चार चैप्टर से 50% का कवरेज, चार चैप्टर से. अब अगर आपके शैतान खोपड़ी में कुछ भी आइडिया आ रहा हो ना, तो आइडिया लगाने का नहीं है. हम कब करते हैं? आना एक बच्चा पूछता है, सर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एफएम में आपने क्वेश्चन ऑफ लिस्ट दी, उस क्वेश्चन ऑफ लिस्ट से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? वो इसी प्रकार आता है. किस प्रकार आता है? वो इन डेप्थ एनालिसिस होता है पास्ट ईयर क्वेश्चंस का, पैटर्न का, और इंस्टीट्यूट क्या बात कर रहा है, क्या सलाह दे रहा है बच्चों को. ये सारी चीज़ों को जब डिटेल स्टडी करते हैं तभी जाके मैं आपको बता पाता हूँ कि आपके एग्जामिनेशन में क्या प्रोबेबल क्वेश्चन हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है. तो सेक्शन टू इज द वाइटल वन. फिर चलते हैं सेक्शन थ्री पे. सेक्शन थ्री इज अबाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड डिसीजन. तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड डिसीजन मतलब दो चैप्टर आएंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर नंबर 7, डिविडेंड डिसीजन चैप्टर नंबर 8. इसका कवरेज है 20% to 25%. इसका कवरेज क्या है? 20% to 25%. एंड देन यू हैव द सेक्शन नंबर 4 दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. चैप्टर 9 आ गया इसमें आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. 15% से 20% का आपको सेक्शन 4 का कवरेज मिलेगा. इस तरह से अगर आप देखोगे प्लस माइनस 5% लेके चलो, यू विल फाइंड दैट द सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस. सो अपना टारगेट बहुत क्लियर है, हमारा टारगेट बहुत क्लियर है, हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. सो वी आर प्राइम फोकस इज गोइंग टू बी ऑन सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3. आप बोलोगे क्यों सर, हम दो को छोड़ने वाले हैं क्या? नहीं नहीं बालक, हम बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं, हम सारे सेक्शंस को करेंगे. बट दिस इज गोइंग टू बी आवर सीक्वेंस. सीक्वेंस क्या होगा हमारा? सबसे पहले हम सेक्शन 1 को करेंगे, सॉरी 2 को करेंगे, फिर सेक्शन 3 को करेंगे, फिर सेक्शन 1 को करेंगे, फिर सेक्शन 4 को करेंगे. दिस इज गोइंग टू बी आवर सीक्वेंस, राइट? सो वी स्टार्ट विद सेक्शन 2. कितने का कवरेज मिल रहा है हमें? ऑलमोस्ट 50% का. सिर्फ कितने चैप्टर्स में? चार चैप्टर में. आप बोलोगे सर सेक्शन 2 और 3 उठा लें, बाकी छोड़ देना सर, टाइम बचेगा इधर उधर, पांच चैप्टर कर दें एसएम का, कौन रोक देगा एग्जाम आपका, बताओ मुझे. डेफिनेटली आगे करेंगे, अभी कोई जरूरत जल्दबाजी नहीं है. नाउ सी दिस, व्हाट इज द प्रोसेस? इस बैच में आपका प्रोसेस क्या होने जा रहा है, इसको इसकी बात कर लो आप. प्रोसेस बहुत सिंपल है बालक, हमने कोई पर्टिकुलर चैप्टर उठाया, वी विल सी द कॉन्सेप्ट, है ना. इसे पहला चैप्टर जो हम उठाने जा रहे हैं सेक्शन 2 का, दैट विल बी लीवरेज. अगर हमने लीवरेज को स्टार्ट किया तो हमें क्या करना है? सबसे पहले कॉन्सेप्ट को देखना है कि भाई ये है क्या, वो मैं आपको बताऊंगा. मैं बहुत ज़्यादा डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, हमारे बुलेट पॉइंट्स होंगे और कॉन्सेप्ट के बारे में जितना एसेंशियल पॉइंट्स है उन पॉइंट्स की समरी हमारी बनती जाएगी. वंस वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट वी विल गो फॉर द एग्जाम्पल. उस पर हमने एग्जाम्पल करा, एग्जाम्पल के बाद हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं. तो स्टडी मैथ के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है एग्जाम्पल में इलस्ट्रेशन को इंक्लूड करते हुए चलेंगे, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उन प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व किया, यू नो, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर. एंड वंस वी आर डन द प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर हमारे पास PYQs आएंगे. हम पास्ट ईयर क्वेश्चन के जो सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को मैं आपको कराता हुआ चलूंगा. कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा, कुछ मैं आपको क्लास में सॉल्व कराऊंगा.
Once we are done with this, then we will have a test. Once we are done with the chapter, we will have a test. Test दोनों nature का होगा, MCQ descriptive. और once we are done with our syllabus, then we will have a comprehensive test, जहां full syllabus का test करेंगे. ये आपका बड़ा simple सा procedure होने जा रहा है आपके batch में, right? I hope I am quite clear about the batch features, about your syllabus and all. Correct? चलिए. We are going to start with section 2 और section 2 का chapter number 6. Section 2 का chapter number 6. तो क्या हम शुरू करने जा रहे हैं? हमने कहा सर section 2, chapter 6. Chapter number 6, जिसका नाम क्या है? Leverages. So let's see this. Correct? So, अब इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं आपके चैप्टर को, मैं एक बात बता देता हूं. अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी, आपको ऐसा लगे कि सर इसके बारे में मुझे बहुत कुछ समझना है, डेरिवेशन समझना है वगैरह वगैरह, तो मैं उपलब्ध रहूंगा आप लोगों के लिए. आपको सिलेबस से रिलेटेड जब आप पढ़ाई कर रहे होगे, उससे रिलेटेड आपको किसी भी तरह का डाउट आता है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस कंडीशन में ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पर क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं. यू कैन सिंपली ड्रॉप अ व्हाट्सएप, कॉल मत करना. क्या करना? व्हाट्सएप कर देना, राइट? जो भी दिक्कत आएगी आप फटाफट क्या कर देना, व्हाट्सएप कर देना. आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी एएसएपी जितनी जल्दी हो सके, राइट? वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाला है नहीं, बड़ा इजी है यार, इट्स वेरी इजी, ट्रस्ट मी, इट्स कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, है ना? सो स्टार्ट विद द लीवरेजेस. अब सबसे पहला जो मेरा पता है, सबसे पहला मेरा इंटरेस्ट क्या आ रहा है इसमें, कि भाई ये बताओ कि हम जब फाइनेंस पढ़ते हैं तो ऐसे ऐसे टर्म क्यों है, ये साइंस का टर्म है लीवरेज, है ना, फिजिक्स में लीवर पढ़ा जाता है, तो ये लीवर यहाँ क्यों आ रहा है ना? तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में. जैसे मान लो अब हमारे पास एक कोई पत्थर है, लेट से कोई हमारे पास वस्तु है, किसी तरह का ऑब्जेक्ट है, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज वेरी हैवी, 100-150-200 किलो का है. अब ये 200 किलो का ऑब्जेक्ट हमें क्या करना है, उठाना है, राइट? तो अब हमने क्या किया, यहाँ एक प्लैंक है मान लो, और यहाँ एक क्या आ गया हमारे पास, लेट से फलक्रम. यहाँ से हमने क्या किया, इसको पुश किया, और जब हम यहाँ से इसको पुश करेंगे तो ये क्या होता है, ये ऊपर उठ जाता है. ऐसा करते हो ना आप रियल लाइफ में, कोई भी जब आपको भारी सामान उठाना होता है तो आपने एक डंडा लगाया, इधर से जब आप प्रेस करते हो तो देखो कि उधर से भारी सामान उठ गया, और वैसे आप जाके उठाने की कोशिश करोगे तो आप तो उठेगा ही नहीं. क्या है मतलब इसका? इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि जो एफर्ट लगा रहे हैं ना, इस साइड से, एक साइड से अपन एफर्ट लगा रहे हैं, उस एफर्ट के अगेंस्ट दूसरे साइड से हमारा रिजल्ट आ रहा है. दूसरे साइड से हमारा क्या आ रहा है? रिजल्ट आ रहा है. तो बड़ा सिंपल सी बात है कि हम क्या कर रहे हैं, कम एफर्ट लगा के ज़्यादा बड़ा पत्थर उठा पा रहे हैं, कम एफर्ट लगा के ज़्यादा रिजल्ट हम गेन कर पा रहे हैं. और एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हमारा यहाँ फाइनेंस में है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया लीवरेज. सो हम बात कर रहे हैं किसकी, पता है आपको इसमें किसकी बात होगी? इसमें बात होगी फिक्स्ड कॉस्ट की, और फिक्स्ड कॉस्ट हमारा फलक्रम की तरह काम करेगा. फिक्स्ड कॉस्ट हमारा फलक्रम की तरह काम करेगा. अगर आपके फिक्स्ड कॉस्ट है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में, यू विल सी दैट फिक्स्ड कॉस्ट वर्क्स एज अ व्हाट, फलक्रम. और यही आप देखोगे कि हम किस तरह से अपने रिटर्न को हम बढ़ाते हैं, अपने प्रॉफिट को हम इंक्रीज करते हैं बाय यूजिंग फिक्स्ड कॉस्ट. सो यू नो यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट टू इंक्रीज रिटर्न इज लीवरेज, एज सिंपल एज इट इज. क्या बोलेंगे? यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट टू इंक्रीज रिटर्न इज लीवरेज. यूज ऑफ डेट टू इंक्रीज रिटर्न इज लीवरेज. सो डेट के साथ फिक्स्ड कॉस्ट आता है ना, क्या आता है? इंटरेस्ट. आगे देखेंगे हम, फिक्स कॉस्ट दो तरह के हो सकते हैं हमारे पास, बट इतना तो आप बहुत अच्छी तरह से सिंपल तरीके से समझते हो. एंड दैट इज व्हाई वी हैव अ चैप्टर कॉल्ड एज व्हाट, लीवरेजेस. लेट्स सी, जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जिसे हम प्यार से क्या बुलाते हैं, इसे हम प्यार से बुलाते हैं FM. प्यार से बुलाते हो या गुस्से से बुलाते हो? प्यार से बुलाते हो ना, प्यार से क्या बुलाते हो? FM. तो मुझे बताओ FM का ऑब्जेक्टिव क्या है? इतना तो हमें पता है, हम तो जानते हैं, हम सब जानते हैं ना. FM का ऑब्जेक्टिव है किस चीज को मैक्सिमाइज करना? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना? ना 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 ना. खर्चे को मैक्सिमाइज करना? ना 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 ना. किस चीज को मैक्सिमाइज करना? तो हम कहते हैं सर द आइडिया इज वेरी सिंपल, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना.
क्या क्यों, क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता? हम बोले हाँ हो सकता है ना यार, हम उस पर थोड़ी लड़ रहे हैं तुमसे, हो सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बट क्या वो कॉम्प्रिहेंसिव है? नहीं, नहीं है कॉम्प्रिहेंसिव, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। चैप्टर वन में पढ़ा है आपने, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। सो व्हाट इज यू नो ऑब्जेक्टिव, कि वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स को हम क्या करें, मैक्सिमाइज करें। और जब आप वेल्थ को मैक्सिमाइज करने की बात करते हो, शेयर होल्डर्स वेल्थ को मैक्सिमाइज करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फर्म। अब वैल्यू ऑफ फर्म को इंक्रीज करने की बात कर रहे हो, अब मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म की को इंक्रीज करने की बात कर रहे हो, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म को क्या करना, मैक्सिमाइज करना। दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो है वेल्थ को मैक्सिमाइज करना शेयर होल्डर्स के, इसका ऑब्जेक्टिव है वैल्यू ऑफ फर्म को मैक्सिमाइज करना, ताकि मैक्सिमम रिटर्न टू शेयर होल्डर इंश्योर किया जा सके। व्हाट एवर यू आर डूइंग फॉर द शेयर होल्डर्स, है ना, लेंडर्स के लिए नहीं, लेंडर्स को तो अपने इंटरेस्ट से मतलब है, उसको तो हम यूज़ करेंगे यार, इसी को तो लीवरेज कहते हैं। तो लेंडर्स से जो हम पैसा उठाएंगे वो तो हम यूज़ करेंगे ताकि हम रिटर्न बढ़ाएं, और ये रिटर्न किसके लिए बढ़ा रहे हैं, ये रिटर्न हम शेयर होल्डर्स के लिए बढ़ा रहे हैं। That is our basic idea, right? अब जरा देखो, हम wealth को maximize करना चाहते हैं, हम value को maximize करना चाहते हैं, लेकिन जब आप value maximization के तरफ बढ़ोगे ना, जब आप firm के value को maximize करने की बात करोगे ना, आप बोलोगे जो value of firm जो होता है ना VF, इसका मतलब क्या हुआ, value of firm, इसका मतलब क्या हो गया, value of firm, या आप इसको market value कह दो। तो जो value of firm है ना, ये किस पे डिपेंड करेगा, आप खुद बताओ मुझे, ये किस चीज से पे डिपेंड करेगा कि वैल्यू ऑफ फर्म क्या है? तो क्या जो सेल है, मान लो अगर सेल ज्यादा है या सेल कम है, कॉस्ट ज्यादा है या कॉस्ट कम है, राइट? तो क्या इन सब पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वैल्यू ऑफ फर्म पे? आप बोलोगे इन्हीं चीजों से तो ये गवर्न होगा, दे आर डिफरेंट, दे आर लॉट ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल्स, वी टॉक अबाउट कॉस्ट, वी टॉक अबाउट सेल्स, राइट? एंड सर्टेनली ऑल ऑफ दीज वेरिएबल्स विल बी इंपैक्टिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म। So, how good you are in your business, how you are operating your business will ultimately impact the value of firm, and hence we can say that the value of firm is directly proportional to performance of the company. Company ka performance jitna acha hoga, value of firm kya hoga, utna hi badhega. Performance ke aage to kuch nahi hai na, koi manipulation nahi chahiye, performance badh raha hai to value bhi kya hoga, badhega. To aap kya kehte ho, the value of firm is directly proportional to what, performance of firm, performance of firm, right? But ab aapko ek baat aur dhyan mein rakhna hai ki performance of firm is directly proportional hai, isme koi shak ki baat nahi hai, lekin agar एक्सपेक्टेशन जो है इन्वेस्टर्स की, अगर वो ज्यादा हो तो क्या हो? क्योंकि देखो होता क्या है, वेन एवर वी आर बोरोइंग फंड फ्रॉम सम इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर की अपनी एक एक्सपेक्टेशन है कि उसने जो, अगर मान लो कंपनी ने किसी इन्वेस्टर से 1 करोड़ लिया, अब 1 करोड़ पे वो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये आपके लिए क्या होगा, दोनों तरह से काम करेगा। जरा सोचो, आप अपने इन्वेस्टर से बोरो किया, इन्वेस्टर आपको लेंड करता है 7% के रेट पे, इन्वेस्टर आपको लेंड करता है 4% के रेट पे, 100 करोड़ का आपने क्या किया, फंड लिया इनसे। अब 100 करोड़ अगर आपको 7% पे दिया जाए और 4% पे दिया जाए, तो क्या इन दोनों का इंपैक्ट आपके वैल्यू पे होगा या नहीं होगा, टेल मी, आप क्या बोलोगे? सर बिल्कुल होगा, अगर 4% है तो हमारे लिए लेस बर्डन होगा, और अगर 7% पे आ रहा है तो हमारे लिए ज्यादा बर्डन होगा। तो इन्वेस्टर्स का जो एक्सपेक्टेशन है ना, इनकी एक्सपेक्टेशन जो है ना, वो हमारे फर्म के वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स आर हाई, इट विल बी पुटिंग अ डाउनवर्ड स्ट्रेस ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म, वो डिक्रीज करेगा। बट वेन द एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स आर लेस, इन दैट केस वैल्यू विल एलिवेट, इट विल इंक्रीज। तो बात तो बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन अब सवाल आता है, सर किस सिचुएशन में एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स विल बी हाई और किस सिचुएशन में इट विल बी लो? तो आप बोलोगे अच्छा 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 समझ में आया, सो नाउ इट विल कनेक्ट विद समथिंग कॉल्ड एज रिस्क, सर्टेनली इट विल बी कनेक्टिंग विद रिस्क।
सो व्हाट इज आइडिया हियर, हम कहते हैं वैल्यू ऑफ फॉर्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्वेस्टर. इन्वेस्टर्स की क्या एक्सपेक्टेशन है? अगर इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है वैल्यू ऑफ फॉर्म पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा. अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स लो है तो वैल्यू ऑफ फॉर्म पे पॉजिटिव इंपैक्ट होगा. लेकिन एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स किस बात पे डिपेंड करता है? तो हम क्या कहेंगे अब, एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्क. बिजनेस कितना रिस्की है, या आप कह सकते हैं रिस्क ऑफ द कंपनी, कितना रिस्क ले रही है बिजनेस और कितना रिस्की है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि भाई इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन क्या होंगी. अगर बहुत ज्यादा रिस्की है, वोलेटाइल बिजनेस है, तो इन्वेस्टर को डाउट है भाई कि मैं पैसे लगा तो रहा हूं बट ये तो बहुत रिस्की बिजनेस है, हो सकता है मेरा पैसा डूब भी जाए. तो अगर मैं लगा ही रहा हूं तो मुझे जो मार्केट में अदर इंस्ट्रूमेंट से जो मुझे रिटर्न आता उससे ज्यादा रिटर्न तो आप मुझे दे दो, रिस्क प्रीमियम तो मुझे चाहिए. यस, इन्वेस्टर विल बी स्टार्ट लुकिंग फॉर रिस्क प्रीमियम. क्यों रिस्क प्रीमियम वो डिमांड करेंगे? क्योंकि वो ज्यादा लगा रहे हैं. अब छोटा सा एग्जांपल ले लो, अगर हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाया तो हमें 7% का रिटर्न आ रहा है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी से वी गेट द सेफ रिटर्न, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है वहां, तो 7% का है तो वो मेरा रिस्क फ्री रिटर्न है. लेकिन अगर मैं तुम्हारी कंपनी में लगा रहा हूं और तुम्हारी कंपनी में रिस्क तुमने ज्यादा ले रखा है तो भाई तो मेरा जो 7% का मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी से कमा रहा था तुमसे तो मैं ज्यादा मांगूंगा ना. क्यों मांगूंगा ज्यादा? इसीलिए ज्यादा मांगूंगा कि अगर मुझे 7% ही कमाना होता तो मैं तुम्हारी कंपनी में पैसे लगा के रिस्क क्यों लेता, मैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देता. इफ आई एम गोइंग टू द रिस्की प्रोजेक्ट आई विल बी डिमांडिंग मोर. तो रिस्क फ्री के ऊपर मेरे को प्रीमियम चाहिए, यानी कि एक्सपेक्टेशन क्या हुआ, बढ़ा. तो जितना ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट होगा आप देखोगे इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस उतनी बढ़ती हैं, और इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन के बढ़ने का मतलब है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा. कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ने का मतलब है वैल्यू ऑफ फॉर्म पे डाउनवर्ड स्ट्रेस आएगा, नेगेटिव स्ट्रेस आएगा और वैल्यू क्या होगा, डिक्लाइन करेगा. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू कंक्लूड हियर, वी आर ट्राइंग टू कंक्लूड हियर द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिस्क. और रिस्क के दोनों फायदे हैं. तो आप बोलोगे सर रिस्की प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ही क्यों किया? क्योंकि रिटर्न ज्यादा है. हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, बट रिस्क शुड ऑलवेज बी कैलकुलेटिव. तो भाई क्यों डाल रहे हो रिस्की प्रोजेक्ट में पैसा आप? क्योंकि आपको पता है कि वहां से अगर रिटर्न आया तो रिटर्न क्या होगा, ज्यादा होगा. लोगों ने बायजू में पैसा क्यों लगाया होगा, क्यों लगाया होगा, सोचो, ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए ना. सो दिस हैपेंस. आप क्या कहते हो, रिस्क अगर ज्यादा है तो उस कंडीशन में रिटर्न भी ज्यादा होता है और एक्सपेक्टेड जो रिटर्न होता है इन्वेस्टर्स के लिए दैट इज हाई एंड दैट इज व्हाई दे इन्वेस्ट इन इट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट, इसका मतलब क्या हुआ, द रिस्क बॉर्न बाय कंपनी विल डायरेक्ट इंपैक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म. यस और नो? अगर जो रिस्क है कंपनी का वो किसको इंपैक्ट करेगा, वैल्यू ऑफ फर्म को इंपैक्ट करेगा. और इसी बात को हमें यहां एड्रेस करना है कि रिस्क कितने तरह के होते हैं एंड हाउ दैट रिस्क अफेक्ट्स द वैल्यू एंड दैट हैज टू डू समथिंग विद व्हाट लीवरेज एंड दैट व्हाट द लीवरेज इज ऑल अबाउट, जो अभी हम देखेंगे. ठीक है, सो व्हाट वी कैन, हाउ कैन वी डिफाइन द लीवरेज. यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? सो अगर हम लीवरेज को डिफाइन करें, मैंने आपको कहा था ना हम सिर्फ बुलेट में जाएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं आपको थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा. क्या कहा था हमने, व्हाट इज लीवरेज, किसका इस्तेमाल, फिक्स्ड कॉस्ट का इस्तेमाल. किसको बढ़ाने के लिए, रिटर्न को बढ़ाने के लिए. फिक्स्ड कॉस्ट का इस्तेमाल रिटर्न को बढ़ाने के लिए, फिक्स्ड कॉस्ट का इस्तेमाल एसेट के लिए, फिक्स्ड कॉस्ट का इस्तेमाल कैश फ्लो के लिए. तो हमने क्या कहा कि मान लो यू हैव टू हैव एन एसेट, राइट, और उस मान लो 100 करोड़ का एसेट है. अब उस एसेट को हम पूरी तरह से इक्विटी से फंड कर सकते हैं, उस एसेट को हम पूरी तरह से डेट से फंड कर सकते हैं, उस एसेट को हम इक्विटी एंड डेट के कॉम्बिनेशन से फंड कर सकते हैं. तो एसेट में हम क्या कर रहे हैं, हम उस एलिमेंट से हम प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, अलोंग विद इक्विटी, जो बाद में हम कंक्लूड कर लेंगे, जो जिसके साथ क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा है हमारा. सो लीवरेज का मतलब क्या हुआ, तो आप क्या बोलोगे, यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. किसका इस्तेमाल, फिक्स्ड कॉस्ट का इस्तेमाल. किसका इस्तेमाल, फिक्स्ड कॉस्ट का इस्तेमाल इन कंपनीज कॉस्ट स्ट्रक्चर. यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन कंपनीज कॉस्ट स्ट्रक्चर. फिक्स्ड कॉस्ट का इस्तेमाल कंपनीज कॉस्ट स्ट्रक्चर में.
और ये फिक्स कॉस्ट क्या है हमारा, अभी अभी मैंने आपको बताया था, कहते सर ये हमारे लीवरेज का फलक्रम है, बताया था ना अभी अभी, है ना, इसी से तो हम उठाएंगे भारी पत्थर को कम एफर्ट लगा के, भारी पत्थर को कम एफर्ट लगा के इसी से तो उठाएंगे हम, क्योंकि इसी का फायदा होगा, यहीं से मिलता है क्या लीवरेज, है ना, इसी का फायदा होगा, यहीं से क्या मिलता है हमें, यहीं से मिलता है हमें लीवरेज। क्या वाकई फर्क पड़ जाता है फिक्स कॉस्ट से, क्या वाकई फर्क पड़ता है फिक्स कॉस्ट से, हम क्या करेंगे अब यहाँ एक छोटा सा इलस्ट्रेशन, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब जरा ध्यान देना मेरी बात को, अच्छी तरह से समझना। सर इस एग्जांपल में हम क्या देखने वाले हैं सर, जादू। क्या देखने वाले हैं, जादू। किसका जादू, पता है आपको किसका जादू देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं मैजिक ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, मैजिक ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। सर मालूम है जादू, मालूम है फिक्स कॉस्ट का, हाँ सर मालूम है, तो चलो देख लेते हैं क्या जादू हो सकता है फिक्स कॉस्ट का। अब दो लोग हैं, है ना, एक का नाम है राजू ठीक है, और दूसरे का नाम है काजू। एक का नाम है राजू, दूसरे का नाम है काजू। ये दोनों इंडिविजुअली एक प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं, ठीक है, जिस प्रॉपर्टी का वैल्यू है मार्केट कीमत मान लो 6 लाख का, तो 6 लाख की प्रॉपर्टी है, और ये दोनों क्या करना चाहते हैं, ये दोनों इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं। कितने का है ये, 6 लाख का प्रॉपर्टी है, दोनों इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं 6 लाख। आइडेंटिकल प्रॉपर्टी है, मान लो दो प्रॉपर्टीज हैं, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, 6-6 लाख। अब जब इस प्रॉपर्टी को ये खरीदेंगे तो 6 लाख इनको देना है, तो ये कैसे देंगे, तो बात आया किसका, तो आप कहते हो सर डाउन पेमेंट का, कितना पैसा ये लगाने वाले हैं अपनी तरफ से, क्या डाउन पेमेंट इनका है। तो राजू ने क्या किया, 60,000 रुपये का डाउन पेमेंट किया। तो अगर 60,000 रुपये का डाउन पेमेंट किया तो बाकी पैसा कहां से आया, तो राजू ने क्या किया, बाकी पैसा लोन ले लिया 5% के रेट पे बैंक से। तो 60,000 रुपये अगर डाउन पेमेंट किया था, अपनी तरफ से लगाया था, तो कितने का डेट क्रिएट हो गया इस पे, तो आप बोलोगे सर इस पे डेट क्रिएट हो गया 5,40,000 का, इसने क्या किया, लोन ले लिया बैंक से 5% पर एनम पे, 5% के रेट पे। तो अब राजू का ये डेट हुआ, इस डेट का कॉस्ट क्या होगा अगर एक साल की बात करें, तो आप कहते हो सर अगर हम एक साल की बात करते हैं, 5,40,000 रुपये का इसने क्या किया, लोन लिया, इसका 5% हमारा क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट हो जाएगा, तो कॉस्ट विल गो टू व्हाट, ₹27,000 क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ डेट आ गया, आ गया ना कॉस्ट ऑफ डेट, कितना आया ₹27,000 किसका, राजू का। अब काजू का सिचुएशन देखो, ठीक है, अब जब काजू की बात आई तो काजू कहता है कि मैं लोन लूंगा ही नहीं, और उसने क्या किया बालक, पूरा का पूरा 6 लाख डाउन पेमेंट कर दिया अपनी तरफ से, और लोन उसने नहीं लिया, पूरा पैसा लगा दिया खुद ही, लोन लिया ही नहीं। तो अगर अब इसने लोन नहीं लिया तो इसका कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगा, ₹0 का कॉस्ट ऑफ डेट हो जाएगा, यस नो, होगा ना ऐसा। तो ये दो सिनेरियो हैं आपके पास, किसके किसका, तो आप कहते हो सर एक है राजू का एक है काजू का, करेक्ट। अब देखो हमें किसका मैजिक दिखना चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट का। किसकी में फिक्स्ड कॉस्ट है, राजू में फिक्स्ड कॉस्ट है। कितने का फिक्स्ड कॉस्ट है, 27,000 का फिक्स्ड कॉस्ट है, उसको देना होगा एक साल में 27,000 रुपये, जो उसका इंटरेस्ट बनेगा किसका, लोन का। लेकिन क्या काजू को कोई फिक्स कॉस्ट है, नहीं है। क्यों नहीं है काजू का कोई कॉस्ट, काजू का कॉस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि उसने क्या किया है, पूरा का पूरा पैसा अपने फंड से लगा दिया, इक्विटी फंड है उसके पास 6 लाख का, उसने कोई भी डेट रेज नहीं किया। तो क्या इन दोनों का आरओआई सेम होगा, अगर दोनों का आरओआई सेम होगा ना तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट का मैजिक काम नहीं कर रहा है। क्या होना चाहिए, किसका आरओआई ज्यादा होना चाहिए, राजू का। अगर वाकई फिक्स कॉस्ट में मैजिक है तो राजू का आरओआई क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू व्हाट,
काजू, तो जरा कैलकुलेशन करो इसको फटाफट। देखो वी हैव राजू एंड वी हैव काजू, ठीक है। हमने क्या कहा, कितने की प्रॉपर्टी है, 6 लाख की। कितने का डाउन पेमेंट हुआ, डाउन पेमेंट की अगर बात करें तो राजू ने कितने का डाउन पेमेंट किया, 60,000 का। काजू ने कितने का डाउन पेमेंट कर दिया, 6 लाख का पूरा पैसा खुद दे दिया, करेक्ट। डेट की बात करते हैं, लोन की बात करते हैं, किसने बैंक से लोन लिया, राजू ने लिया कितने का, 5,40,000 का लोन लिया। लेकिन काजू ने लोन लिया क्या, जीरो नहीं। कॉस्ट ऑफ डेट की बात करते हैं, जो इंटरेस्ट बना लोन पे वो इन द केस ऑफ काजू कितने का बना, तो आप कहते हो सर 27,000 का बना। इन द केस ऑफ काजू कितने का बना, तो आप कहते हैं सर कोई भी इस पे नहीं बन रहा क्योंकि इसने पैसा लिया ही नहीं। नाउ आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद ये क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या है प्रॉपर्टी की, देखो कितने साल बाद, 1 साल के बाद, नेट 1 साल रखो, सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं और फायदे में बेचते हैं, 6 लाख का खरीदा था और 6,50,000 का बेचते हैं, तो 6,50,000 दोनों ही क्या करते हैं, अपने प्रॉपर्टी को बेच देते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया मेरे प्रॉपर्टी का, यहां सेलिंग प्राइस एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लास्ट में इनका जो सेलिंग प्राइस था दैट वॉज ऑफ 6,50,000। तो ये इनके पास क्या आ गया, इनफ्लो आया ना 6,50,000 का। तो जरा देखो अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो कितना प्रॉफिट इन्होंने कमाया, प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं डेट लोन इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद, इंटरेस्ट को पेमेंट करने के बाद हम नेट प्रॉफिट देख रहे हैं कि राजू और काजू का क्या प्रॉफिट रहा। तो देखो कितना इसको इनकम आया, 6,50,000 का। राजू को कितने का डाउन पेमेंट किया था, 60,000 का, तो माइनस 60,000 कर दिया, माइनस 5,40,000 किया जो लोन लिया था वो भी वापस करेगा, माइनस 27,000 किया जो इंटरेस्ट है वो भी भरना होगा, तो टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 23,000। इसका प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज 23,000 राजू का, एंड काजू का प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट, 50,000। इसका क्या हो रहा है, ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है आफ्टर पेइंग डेट एंड इंटरेस्ट। सो अब जरा देखो क्या दिख रहा है हमें, हमें दिख रहा है सर राजू का जो प्रॉफिट है वो 23,000 का ही है, बट काजू का जो प्रॉफिट है वो 50,000 का है। अब इससे भ्रमित नहीं होना है हमें, क्योंकि 50,000 का प्रॉफिट इसने अर्न किया है कितने का इन्वेस्टमेंट करके, 6 लाख का इन्वेस्टमेंट करके, जबकि इसने सिर्फ 60,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, बाकी तो लोन था, इसने अपना पैसा तो लगाया नहीं था, और 60,000 के इन्वेस्टमेंट पे इसने 23,000 का रिटर्न इसको मिल गया। सो इफ यू कैलकुलेट द ROI फॉर बोथ, अगर हम दोनों का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 23,000 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 60,000 मल्टीप्लाइड 200, और ये हो जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाइड 200, राइट। क्या हमारा रिटर्न आया, कितना इन्वेस्ट किया था, 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज में आपको आंसर मिलेगा। सो इन द केस ऑफ राजू व्हाट इज द ROI, राजू के केस में ये क्या हो जाएगा, 23,000 डिवाइडेड बाय 60,000, 38.33%। तो ये कितना आ गया मेरा, 38.33% इन द केस ऑफ व्हाट, राजू। काजू का देखो, हाँ सर उतना तो हो ही नहीं सकता ना काजू का, इसका सिर्फ कितना आया, 8.33%। बताओ किसका ROI ज्यादा है, आप कहते हैं सर राजू का ROI ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, आप कहते हो सर इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहां बेसिकली क्या काम कर रहा है, फिक्स कॉस्ट काम कर रहा है 27,000। इन्होंने क्या किया था, डेट लिया था राजू ने, और इसी डेट ने उसके रिटर्न को क्या किया है, मैग्निफाई किया है, जबकि काजू ने डेट नहीं लिया था, उसने क्या किया था, पूरा 6 लाख लगाया, तो इसको जो बेनिफिट मिल सकता था ये बेनिफिट इसको नहीं मिला। और कितने का फर्क है, जरा आप नोटिस करो ना, इसको 23,000 का बेनिफिट है, प्रॉफिट है आफ्टर पेइंग डेट एंड इंटरेस्ट, इसको 50,000 का, एग्जैक्टली आपको उसी अमाउंट का डिफरेंस नजर आएगा जिस अमाउंट का कॉस्ट ऑफ डेट आया है, किसका, राजू का, एंड दैट इज 27,000। ये इसी का मैजिक है, किसका मैजिक है, ये फिक्स्ड कॉस्ट का मैजिक है, दैट यू आर सीइंग दैट द रिटर्न इज व्हाट, हाईली मैग्निफाइड इन द केस ऑफ व्हाट, राजू एज कंपेयर टू
व्हाट काजू. सो दिस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. हमने क्या कहा कि बेसिकली लीवरेज का यही मतलब होता है, लीवरेज का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट का इस्तेमाल करना, यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन कंपनीज कॉस्ट स्ट्रक्चर टू बूस्ट रिटर्न. रिटर्न को क्या करने के लिए, बूस्ट करने के लिए. और चूंकि राजू ने फिक्स कॉस्ट का इस्तेमाल किया था तो यू हैव सीन दैट उसका रिटर्न क्या हुआ, बूस्ट हुआ. तो कैसा इंपैक्ट है ये पॉजिटिव इंपैक्ट है. इसका मतलब सर लोन जितना कर्जा लेना है, कंपनी जितना कर्जा लेगी वो उतना आगे बढ़ेगी. पॉजिटिव इंपैक्ट है ना. कैसा इंपैक्ट है ये, पॉजिटिव इंपैक्ट है. हम कहते नहीं रुको रुको, हमने क्या कहा था, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, हायर द फिक्स कॉस्ट हायर द रिस्क हायर द रिटर्न. लेकिन हमेशा नहीं, जाहिर सी बात है हमें कैलकुलेटिव रहना होता है. यानी कि क्या इस लेवरेज का नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है क्या, फिक्स कॉस्ट का अगर मैंने पॉजिटिव इंपैक्ट देखा तो क्या इस फिक्स कॉस्ट का नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है क्या. तो चलो देख लेते हैं हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल हो सकता है. सो अगर आपको नेगेटिव इंपैक्ट देखना है ना, नेगेटिव इंपैक्ट अगर आपको देखना है किसका, लिवरेज का, तो नेगेटिव इंपैक्ट का मतलब क्या होगा कि लॉस बढ़ेगा, इंक्रीज्ड लॉस. पॉजिटिव इंपैक्ट का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट बढ़ा, आरओआई बढ़ा. लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट का मतलब क्या होगा, लॉस बढ़ेगा. कौन है हमारे पास, दो पार्टीज हैं, एक कौन है राजू और दूसरा कौन है काजू. कितने की प्रॉपर्टी थी, 6 लाख की है ना. डाउन पेमेंट कितना कितना किया इन्होंने, राजू ने कितने का डाउन पेमेंट किया था, 60,000 का. काजू ने कितने का किया था, पूरे 6 लाख का डाउन पेमेंट कर दिया था. डाउन पेमेंट इज डन. लोन की बात करो, राजू ने लोन लिया था, हाँ लिया था. कितने का लिया था, 5,40,000 का. काजू ने लोन लिया था, नहीं लिया था, जीरो हो गया इसका. कॉस्ट ऑफ लोन, क्या लोन का कॉस्ट आया था राजू के लिए, 27,000 का. काजू के लिए क्या आया था, जीरो आया था. काजू का कोई कॉस्ट ऑफ लोन नहीं आया था. अब देखो हुआ क्या, जो सेलिंग प्राइस है प्रॉपर्टी का, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी पहले एग्जांपल में हमने ज्यादा लिया था. यानी कि 6 लाख का खरीद के 6,50,000 में हमने सेल किया था. ठीक है, क्या हो अगर ये कम में बिके, कितने का खरीदा है, 6 लाख का खरीदा है ना. एक काम करते हैं, इसको कम में अगर बेच दे तो क्या हो जाएगा. अगर मैं इसको 5 लाख में बेच दूं तो क्या होगा, जरा सोचो. कितने का खरीदा, 6 लाख का खरीदा, 5 लाख में बिक रहा है तो नुकसान होगा, लॉस होगा. अब हमें यह देखना है कि उस लॉस पे फिक्स्ड कॉस्ट का क्या असर होता है, किसका लॉस ज्यादा होना चाहिए एज पर द मैजिक ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. हम बोलेंगे सर राजू का. किसका रिटर्न ज्यादा था एज पर द मैजिक ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, तो आपने कहा था राजू का ज्यादा था. तो जब पॉजिटिव इंपैक्ट में राजू का ज्यादा था तो नेगेटिव इंपैक्ट में भी राजू का ज्यादा होगा. तो ज्यादा लॉस किसका होना चाहिए, राजू का होना चाहिए. सो लेट सी दिस, कितने में बेचा, 5 लाख में. 5 लाख में ये बिका, माइनस कितना डाउन पेमेंट था, 60,000 माइनस. कितना लोन लिया था, 5,40,000 माइनस. कितने का इंटरेस्ट आया था, 27,000 का. तो ये हो गया माइनस 1,27,000. माइनस 1,27,000 इज व्हाट द प्रॉफिट कह सकते हैं आफ्टर डेट एंड इंटरेस्ट. हो गया प्रॉफिट आफ्टर डेट एंड इंटरेस्ट. काजू का देखो 5 लाख था, कितने का बेचा, 5 लाख, 1 लाख, यानी कि 1 लाख, वो भी क्या माइनस. 6 लाख का खरीदा, 5 लाख का बेचा, तो 1 लाख माइनस गया. तो अगर हम दोनों का आरओआई देखें तो अब क्या हो जाएगा, जरा सोचो. दोनों नेगेटिव में है ना, दोनों नेगेटिव में. तो आरओआई ऑफ राजू क्या हो जाएगा, माइनस 1,27,000 डिवाइडेड बाई 60,000 मल्टीप्लाइड टू 100, और इसका हो जाएगा माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख मल्टीप्लाइड टू 100. जो भी वैल्यू आएगा वो माइनस में ही आएगा. तो 1,27 डिवाइडेड बाई 60, दिस गिव्स यू 211.666. तो 211.7% ले लो माइनस, नेगेटिव है. इधर आ जाओ, 1/6 कितना आ गया, 16.66%. तो इसको हमने लिया माइनस 16.67. देखो किसका नुकसान ज्यादा है, माइनस 211 माइनस 16,
इसका मतलब क्या हुआ? हम कहते हैं सर इसका मतलब ये दिखा हमें कि जब पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा था तो भी राजू का ज़्यादा फायदा हो रहा था, जब नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा था तो भी जादू राजू पे क्या हो रहा है, ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। इसका मतलब इट्स डेट इज़ अ काइंड ऑफ व्हाट, हम कहते हैं सर इसका दोनों इम्पैक्ट आता है। आगे पढ़ेंगे, डबल एज शोर्ड कॉन्सेप्ट होता है हमारा, हम कहेंगे सर इसका दोनों इम्पैक्ट आता है, राइट? सो इट, जब हम लेवरेज की बात करते हैं तो इट मे गिव यू द पॉजिटिव रिजल्ट एज वेल, इट मे गिव यू द नेगेटिव रिजल्ट एज वेल, एंड सर्टेनली यू विल हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव कि आपका लेवरेज कितना होना चाहिए और कहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट निकाल सकते हो। और इसी पर्पज से इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। फिलहाल एक बात तो क्लियर हो गया होगा आपको बहुत अच्छी तरह से, दैट फिक्स्ड कॉस्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट्स अ काइंड ऑफ फलक्रम, दैट्स अ काइंड ऑफ फलक्रम। सो फिक्स्ड कॉस्ट को हम यूज करते हैं टू इंक्रीज आर रिटर्न, दैट व्हाट द लीवरेज इज ऑल अबाउट। वी यूज डेट टू इंक्रीज रिटर्न, वी यूज डेट फॉर आर एसेट्स, वी यूज डेट टू इंक्रीज आर कैश फ्लो, वी यूज डेट टू इंक्रीज आर प्रॉफिट, दैट व्हाट द लीवरेज इज ऑल अबाउट। हम डेट को यूज करते हैं शेयर होल्डर्स के रिटर्न को बूस्ट करने के लिए, सो दैट व्हाट द लीवरेज इज ऑल अबाउट। सो व्हेन वी टॉक ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट दो तरह के हो सकते हैं आपका, राइट? एक होता है ऑपरेटिंग, एक होता है फाइनेंशियल। सो अकॉर्डिंगली आपका लीवरेज भी प्राइमरीली दो तरह का होता है, ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज। और एक तीसरा टाइप आता है जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंबाइंड लीवरेज। चलो कंटिन्यू करते हैं, मैजिक तो क्लियर है आई होप, है ना? क्या करेंगे हम, कंटिन्यू करते हैं। नाउ सी दिस, तो कैसे समराइज कर सकते हैं बालक? देखो रिस्क की हम बात कर रहे थे और रिस्क कितने तरह के होते हैं हमारे पास, तो हमने कहा सर रिस्क हमारे पास होते हैं दो तरह के, या टू टाइप्स ऑफ रिस्क। वन इज योर बिजनेस रिस्क, दो कैटेगरी में रिस्क को रखते हैं। एक क्या हो गया आपका बिजनेस रिस्क, जो बिजनेस से रिलेटेड रिस्क है, जो बिजनेस से एसोसिएटेड रिस्क है, जो कंपनी के ऑपरेशन से एसोसिएटेड रिस्क है, उसको हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। लेकिन ऑपरेशंस के अलावा फाइनेंस से रिलेटेड एसोसिएटेड भी रिस्क आपको देखने को मिलेगा। जो रिस्क आता है किसके लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि अगर आप डेट लेते हो, ठीक है, तो शेयर होल्डर्स के, जैसे आपने देखा राजू काजू के केस में, राजू ने डेट लिया था तो राजू का फायदा हुआ, वहां तो सिंगल राजू ही था, राजू ही शेयर होल्डर था। सो सेकंड जो होता है दैट इज योर फाइनेंशियल रिस्क। ये फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट होता है ड्यू टू यूज ऑफ डेट, और बिजनेस रिस्क क्रिएट होता है आपके कंपनी के, आपके बिजनेस के ऑपरेशंस की वजह से। सो रिस्क इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज द बिजनेस रिस्क, वन इज द फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क को हम क्या कह रहे हैं, दिस इज एसोसिएटेड विद ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, दिस इज एसोसिएटेड विद ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऑपरेशन से एसोसिएटेड रिस्क है तो किस प्रॉफिट को इंपैक्ट करेगा, क्या ये नेट प्रॉफिट को इंपैक्ट करेगा या ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इंपैक्ट करेगा? आपके दिस सिंस इट इज रिलेटेड विद ऑपरेशंस, तो इट इज गोइंग टू इंपैक्ट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो इसका इंपैक्ट आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे दिखाई देगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, ईबीआईटी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, ईबीआईटी। मैं भी ये स्टेटमेंट शो कर दूंगा, अभी बस सुन लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब हुआ ईबीआईटी। सो व्हेन वी टॉक ऑफ द बिजनेस रिस्क, वी टॉक अबाउट द अनसर्टेनिटी अबाउट ईबीआईटी, अनसर्टेनिटी अबाउट ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ईबीआईटी स्टैंड्स फॉर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, फास्ट ट्रैक है, मैं इतना तो समझ रहा हूं कि आपको पता होगा। इसी को अपन क्या कहते हैं, दिस इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो रिस्क दो तरह के हो सकते हैं आपके पास, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। जब हम फाइनेंशियल रिस्क की बात कर रहे हैं तो ये रिस्क बेसिकली क्या है, ये दिस इज एन एडिशनल रिस्क, एडिशनल रिस्क टू शेयर होल्डर्स, एडिशनल रिस्क टू शेयर होल्डर्स ड्यू टू यूज ऑफ डेट। डेट के इस्तेमाल से शेयर होल्डर्स पे जो एडिशनल रिस्क आ रहा है उसको हम फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जरा मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब हुआ जितना ज्यादा डेट हम रखेंगे हमारा फाइनेंशियल रिस्क क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा।
जितना ज़्यादा डेट रखेंगे हमारा फाइनेंशियल रिस्क क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। हम कहते हैं अगर सर हमने डेट ना रखा तो, अरे बालक बड़े सिंपल सी बात है ना, नो डेट नो फाइनेंशियल रिस्क। सो फाइनेंशियल रिस्क इज अबाउट डेट, सो नो डेट नो फाइनेंशियल रिस्क। अगर डेट नहीं है तो हमारा फाइनेंशियल रिस्क भी नहीं आएगा। तो रिस्क कितने तरह के हो गए बालक, दो तरह के हो गए, क्या क्या बोलोगे, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। और इसी रिस्क से कंसर्न है आपका लीवरेज, राइट। सो व्हेन वी टॉक ऑफ द बिजनेस रिस्क इट इज कंसर्न विद ऑपरेटिंग लीवरेज, व्हेन वी टॉक ऑफ द फाइनेंशियल रिस्क इट इज कंसर्न विद फाइनेंशियल लीवरेज। और जब हम दोनों को साथ मिलाते हैं देन दैट गिव्स यू टोटल रिस्क एंड दैट इज योर कंबाइंड लीवरेज। सो जरा सोचो इफ यू कनेक्ट इट विद द कॉस्ट, सो व्हाट इज लीवरेज, तो हमने कहा था दैट इज बेसिकली यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन योर कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट की बात करूं तो फिक्स्ड कॉस्ट हमने कहा कि सर फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, जाहिर सी बात है दो तरह के होंगे। अब एक हो गया मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक क्या हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया, और दूसरा हो गया मेरा फाइनेंशियल कॉस्ट। वन इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट, दूसरा हो गया फाइनेंशियल कॉस्ट। अब जरा सोचो अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या हो सकता है, तो हमने कहा जैसे सर फॉर एग्जाम्पल रेंट की बात कर लो, तो दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा होगा तो इसका ईबीआईटी पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा, अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगा तो मेरा ईबीआईटी ज्यादा होगा। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का जो इंपैक्ट है वो हमें देखने को मिलता है, और दैट वर्क्स एज अ फल्क्रम जिसकी बात हम कर रहे थे, और इसी की वजह से लीवरेज क्रिएट होता है। सो रेंट की बात कर लो, डेप्रिसिएशन की बात कर लो, दीज आर योर ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर हम फाइनेंशियल कॉस्ट की बात करें तो क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो हमने कहा सर आप इंटरेस्ट ऑन डेट की बात कर लो, इंटरेस्ट ऑन डेट की बात कर लो। अगर आप प्रेफरेंस डिविडेंड को आपके पास है तो आप उस पर जो डिविडेंड पे करोगे प्रेफरेंस शेयर्स पे, आप प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड की बात कर सकते हैं। सो दीज आर योर फिक्स्ड कॉस्ट एंड कंसर्न्ड विद द फाइनेंशियल एंड द ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट भी कितने तरह के हो गए हमारे पास, दो तरह के हो गए, क्या क्या कहा हमने, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड फाइनेंशियल कॉस्ट। सो दिस ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से आपका आता है बिजनेस रिस्क, और फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से आपका आता है फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से क्या आया, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से क्या आया, फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग कॉस्ट राइट यहां होता है आपका ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल कॉस्ट से मिलता है आपको क्या, फाइनेंशियल लीवरेज। और आप जानते हैं कि इसका दोनों इंपैक्ट हो सकता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो हमने विद एग्जांपल देख रखा था। तो कॉस्ट आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट और फाइनेंशियल कॉस्ट है, और यही प्रेजेंस ऑफ कॉस्ट, प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एलिमेंट इन योर कॉस्ट स्ट्रक्चर विल इंपैक्ट योर रिटर्न, एंड दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग इट। वी आर यूजिंग फिक्स्ड कॉस्ट टू इंक्रीज कैश फ्लो, टू इंक्रीज प्रॉफिट, टू इंक्रीज आवर रिटर्न, दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ लीवरेज। तो आप समझ सकते हो ये कितना क्रिटिकल है, ये कितना क्रिटिकल है, आप इससे अंदाजा लगा लो। यानी कि अगर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन चाहें तो हम क्या कहते हैं लीवरेज क्या है, इट इज एन इन्फ्लुएंस। ये क्या है, एक इन्फ्लुएंस है, इट इज अ पावर, सो इट इज एन इन्फ्लुएंस और पावर। तो अब हम क्या कहते हैं, व्हाट इज लीवरेज, बेसिकली एक फैक्टर की वजह से चेंज और इंपैक्ट ऑन अनदर फैक्टर। क्या कहा था हमने, हमने कहा था एफर्ट लगाया और इसके अगेंस्ट हमारा क्या रिटर्न आया, दैट वाज द आइडिया हियर। और फलक्रम क्या था मेरा, दैट वाज द फिक्स कॉस्ट, यही कोर कॉन्सेप्ट है। सो इन लीवरेज, लीवरेज इज अबाउट, इट इज एन इन्फ्लुएंस, जहां हम देखते हैं कि इन्फ्लुएंस ऑफ वन फाइनेंशियल वेरिएबल ओवर अदर फाइनेंशियल वेरिएबल, राइट। यानी कि अगर मैं सेल को बढ़ाता हूं तो व्हाट इज गोइंग टू बी इंपैक्ट ऑन द ईपीएस, लेट्स से अर्निंग पर शेयर पे उसका क्या इंपैक्ट होगा। अगर मैं सेल को कम करता हूं तो अर्निंग पर शेयर पे क्या इंपैक्ट होगा। अब एक तरफ हमारा एफर्ट है, एक दूसरी तरफ रिटर्न है, और इसका जो फलक्रम है वो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है। सो लीवरेज क्रिएट होता है फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। सो लीवरेज में हम क्या करते हैं, इट इज इन्फ्लुएंस ऑफ वन वेरिएबल, वन फाइनेंशियल वेरिएबल ओवर अनदर फाइनेंशियल वेरिएबल।
तो एक फाइनेंशियल वेरिएबल का दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल पे क्या इंपैक्ट होगा, दिस इज व्हाट द लीवरेज इज ऑल अबाउट. यानी कि यू कैन सी इट लाइक दिस, इंपैक्ट ऑफ वेरिएबल एक्स ऑन वेरिएबल वाई. तो अगर इसे मुझे शो करना हो इंपैक्ट ऑफ वेरिएबल एक्स ऑन वेरिएबल वाई, तो इसको हम कहते हैं लीवरेज ऑफ वाई विद एक्स, ऑफ वाई विद एक्स. क्या बोला, एक जनरलाइजेशन है. क्या मिल रहा है हमें, एक जनरल फॉर्मूला बन रहा है. तो हाउ कैन वी मेजर द लीवरेज, तो आप कहते हैं इसका मेजर ऑफ लीवरेज क्या हो जाएगा. क्या कह रहे हैं, लीवरेज ऑफ वाई विद एक्स, लीवरेज ऑफ वाई विद एक्स. तो क्या करते हैं हम, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, एंड दिस गिव्स द मेजरमेंट ऑफ व्हाट लीवरेज. जो जाके आप आगे देखोगे हम इसी जनरल फॉर्मूला का यूज करेंगे और सारे के सारे फॉर्मूला हमें साफ साफ दिखाई देंगे. तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ये लीवरेज का, वी सी द इम्पैक्ट ऑफ वन फाइनेंशियल वेरिएबल ओवर अदर. सो वन इज एफर्ट, वन इज रिटर्न, फलक्रम इज फिक्स्ड कॉस्ट, एंड दिस इज बेसिकली यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट टू इम्पैक्ट द रिटर्न. और जब हम फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं दोनों तरह का हो सकता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, या रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें दोनों रिलेटेड है, कॉस्ट से ही रिस्क आ रहा है. तो रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेटिंग कॉस्ट बिजनेस रिस्क, फाइनेंसिंग फाइनेंशियल कॉस्ट फाइनेंशियल रिस्क, राइट. और बिजनेस रिस्क एसोसिएटेड है ऑपरेशन से, और फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड है यूज ऑफ डेट से, या यूज ऑफ यू नो सच इंस्ट्रूमेंट विच हैज सम फिक्स कॉस्ट, करेक्ट. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. इस तरह से हम सीधा अगर चले जाएं और यहां से अगर हम देखना चाहें कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीवरेज, बता सकते हो मुझे कितने टाइप के लीवरेज होंगे, तो आप कहते हो प्रिंसिपली मेनली लीवरेज इज ऑफ टू टाइप्स. मेनली कितने टाइप्स के हो गए, दो टाइप्स के लीवरेज हो गए, और अदरवाइज थ्री टाइप्स. अगर हम कंबाइंड को भी लेते हैं तो तीन टाइप ले लेते हैं, कितने टाइप के हो गए, थ्री टाइप्स के. नंबर वन इज ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज शॉर्ट में इसको डिनोट करते हैं ओएल से. नंबर टू इज फाइनेंशियल लीवरेज, दिस इज डिनोटेड बाय एफएल. एंड नंबर थ्री इज कंबाइंड लीवरेज. कंबाइंड लीवरेज किससे डिनोट होगा, सीएल से. कंबाइंड लीवरेज इज सीएल. ऑपरेटिंग लीवरेज कौन सा रिस्क, बिजनेस रिस्क. फाइनेंशियल लीवरेज कौन सा रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क. एंड कंबाइंड लीवरेज कौन सा रिस्क, आप कहते हो टोटल रिस्क. बिजनेस रिस्क प्लस फाइनेंशियल रिस्क इज इक्वल टू टोटल रिस्क. तो ये हमें कंबाइंड लीवरेज किसको प्रेजेंट करता है, टोटल रिस्क. सो वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज. अब ये है क्या, क्या डिनोट करता है ऑपरेटिंग लीवरेज, क्या डिनोट करता है फाइनेंशियल लीवरेज, क्या डिनोट करता है कंबाइंड लीवरेज, थोड़ा बहुत जानते हैं, स्टेटमेंट पे लेके चले जाते हैं, वी विल गेट द फॉर्मूला. है ना, स्टेटमेंट पे लेके जाते हैं, हमें फॉर्मूला मिल जाएगा, हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर देंगे. किस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम स्टेटमेंट. ठीक है, आज के बाद अब आपको इनकम स्टेटमेंट पूरी तरह से याद होना चाहिए. मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद भी होगा. तो याद रहना जरूरी है सर, हाँ याद रहना जरूरी है, याद रहना जरूरी है. वो भी ऐसे याद रहना जरूरी है कि मैं कहीं से कोई भी आइटम आपको बोलूं तो आप पूरा एकदम इंस्टेंटली आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये आइटम कहाँ था. ठीक है, सो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेल्स. सेल्स में से क्या लेस करेंगे, सो हमने कहा सबसे पहले लेके आते हैं किसे, वेरिएबल कॉस्ट को. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट को जब हमने लेस किया वी गेट व्हाट, कॉन्ट्रीब्यूशन. तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव अस कॉन्ट्रीब्यूशन. कॉन्ट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट को लेस किया वी गेट व्हाट, वी गेट ईबीआईटी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ईबीआईटी स्टैंड्स फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ये क्या होते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं. लेस किया, अब ये जो है हमारा ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है. तो पहले हम इंटरेस्ट पे करेंगे, तो जब हमने ईबीआईटी पे इंटरेस्ट पे कर दिया देन वी विल गेट द ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स.
इंटरेस्ट दे दिया तो टैक्स बचा है सिर्फ, और जब टैक्स पे कर देते हैं देन वी गेट अर्निंग आफ्टर टैक्स, सो लेस किया क्या, इंटरेस्ट ऑन डेट, इंटरेस्ट ऑन डेट, जब इंटरेस्ट ऑन डेट को लेस करेंगे वी विल गेट व्हाट, अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी, करेक्ट। अब क्या करना है, लेस करना है किसको, टैक्स को, टैक्स को जब हमने लेस किया यानी कि टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन व्हाट, ईबीटी, ईबीटी पे टैक्स लगाया, वी गेट व्हाट, अर्निंग आफ्टर टैक्स, सो नाउ वी हैव अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब देखो अगर मेरे पास प्रेफरेंस शेयर है तो क्या होगा, अगर मेरे पास प्रेफरेंस शेयर है तो इससे पहले कि इक्विटी शेयर होल्डर की हम बात करें, क्योंकि ये जो ईएटी है ना दिस इज नॉट अवेलेबल एंटायरली फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इफ देयर इज प्रेफरेंस शेयर वी विल हैव टू पे द डिविडेंड फर्स्ट, तो हमने क्या किया, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड इफ एनी, अगर है तो प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया, जब हमने प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया देन वी आर रिमेन्ड विद एन अमाउंट विच इज कॉल्ड एज ईएईएसएच, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, क्या पढ़ेंगे इसको, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, सो ईएईएसएच, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, सो दिस इज द अमाउंट विच इज अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर। नाउ फ्रॉम दिस अमाउंट यू नो वी कैन गिव द शेयर होल्डर्स, वी कैन कैलकुलेट द शेयर होल्डर्स रिटर्न। तो यानी कि अगर मैं आपसे कहूं, लेट्स से नाउ वी हैव नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अगर मेरे पास गिवन है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स गिवन है, वो कोई भी नंबर है मेरे पास, इफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज गिवन, इन दैट केस आई कैन कैलकुलेट द ईपीएस, एंड हाउ कैन यू कैलकुलेट द ईपीएस, ईपीएस का मतलब क्या हुआ कि जो मेरा ईएईएसएच है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है, उसको मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, यानी कि ईएईएसएच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये हमें क्या दे देगा, दिस विल गिव अस व्हाट, ईपीएस, तो हमें क्या कर देगा ये, कोई ईपीएस दे देगा, सो दिस इज योर ईपीएस एंड दिस इज योर इनकम स्टेटमेंट, करेक्ट। अब हम क्या बात कर रहे थे जरा आप रिकॉल करो, ठीक है, हमने क्या बात करी थी, हमने कहा था कि सर हमारे पास दो तरह का फिक्स कॉस्ट हमें दिखता है, एक होता है ऑपरेटिंग, एक होता है फाइनेंसिंग, ठीक है। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जो था दैट वॉज रिलेटेड विद द ऑपरेशन ऑफ द फर्म, ठीक है, और जो मेरा फाइनेंस फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट जो था हमारा दैट वॉज रिलेटेड विद द डेट, जो हमने डेट लिया था उससे रिलेटेड था, और प्रेफरेंस शेयर अगर है तो, है ना, इफ इफ इट इज, अगर ये कंडीशनल है, यूजुअली आपको ये दिखाई नहीं देता है रियल लाइफ में तो बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन में भी आपको ये कम ही दिखाई देगा। सो व्हेन वी टॉक ऑफ द ऑपरेटिंग लीवरेज, तो आप व्हाट यू विल फाइंड व्हाट कि दैट दिस इज द सेल्स, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन आया, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या आया आपका, ईबीआईटी आया। तो जब हम सेल्स और ईबीआईटी के रिलेशन को देखते हैं ना, दिस इज योर ऑपरेटिंग लीवरेज, दिस इज योर डीओएल, दिस इज योर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। व्हेन यू सी द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड द ईबीआईटी, यहां जो इंपैक्ट आता है वो फिक्स्ड कॉस्ट से आता है, देखो हमें वेरिएबल कॉस्ट तो कंसीडर ही नहीं करना, तो यहां अगर मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट को देखूं तो ये मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है, ये मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है, इसके इंपैक्ट को हमें देखना होता है, एंड दैट इज व्हाई जब आप देखोगे, जब हम इंपैक्ट ऑफ सेल ऑन ईबीआईटी को जब हम देखेंगे तो यू विल सी दैट कि जब हम कंबाइंड सॉरी ऑपरेटिंग लीवरेज देखते हैं तो सिंपली कॉन्ट्रीब्यूशन अपन ईबीआईटी का हमारा फॉर्मूला बनता है, क्योंकि जो भी असर आएगा इससे आएगा, ये है फलक्रम, फिक्स्ड कॉस्ट है फलक्रम, तो ये जो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है इसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो जब हम इसके रिलेशनशिप को समझते हैं ना कि द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईबीआईटी एंड दैट इंपैक्ट विल बी ड्यू टू दिस वन, इन दोनों के बीच में है ना, तो इससे पहले क्या है और इसके बाद में क्या है, इसी में रिलेशन देखना है ना, फिक्स कॉस्ट से पहले क्या है, फिक्स कॉस्ट के बाद क्या है, इसी के बीच का हमें रिलेशन देखना होता है। तो ये है आपका बेसिकली ऑपरेटिंग लीवरेज, ये है आपका ऑपरेटिंग लीवरेज जो आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से क्रिएट हो रहा है, राइट। सो दिस इज योर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। लेकिन जब हम फाइनेंस के कॉस्ट की बात करते हैं तो फिर हम जाते हैं फाइनेंस का कॉस्ट कहां है मेरे पास, तो ये रहा मेरा फाइनेंस का कॉस्ट, इंटरेस्ट। तो इससे पहले का एलिमेंट और इसके बाद का एलिमेंट, इसके बीच का रिलेशन ये हमें बताएगा। तो अगर हम फाइनेंशियल कॉस्ट की बात कर ले तो फिर देन वी विल मूव फ्रॉम हियर
टू हियर एंड दिस विल गिव अस द रिलेशन बिटवीन व्हाट आइटम बिफोर द इंटरेस्ट एंड आफ्टर द इंटरेस्ट. तो आप क्या कह सकते हो यहां से यहां आपको क्या मिल रहा है. दिस विल गिव यू द ऑपरेटिंग लीवरेज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज DFL. ये आपको क्या दे रहा है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज. और जब हम इन सारे रिस्क को कंसीडर करते हैं एट वंस देन वी गेट समथिंग कॉल्ड एज डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज. सो ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंसिंग कॉस्ट की वजह से फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से फाइनेंशियल लीवरेज एंड ऑपरेटिंग लीवरेज प्लस फाइनेंशियल लीवरेज इज कंबाइंड लीवरेज. बिजनेस रिस्क प्लस फाइनेंशियल रिस्क इज इक्वल टू टोटल रिस्क. तो बिजनेस रिस्क क्या है तो हमने कहा सर ये है बिजनेस रिस्क. फाइनेंशियल रिस्क हमारा ये रहा और टोटल रिस्क क्या हो गया. इन दोनों को ऐड कर दो आपको क्या मिल जाएगा टोटल रिस्क मिल जाएगा. तो ये तीन तरह के लीवरेजेस होते हैं हमारे पास ऑपरेटिंग लीवरेज फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज. और लीवरेज क्या है बेसिकली क्यों क्रिएट होता है तो हम कहते हैं ड्यू टू यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. और फिक्स्ड कॉस्ट दो तरह के होते हैं ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल. इसी को आपको उस स्टेटमेंट पे देखना है उसके इम्पैक्ट को आपको समझना है राइट. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीवरेज. सबसे पहले देखेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज को फिर फाइनेंशियल को और फिर कंबाइंड लीवरेज को देखेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे. जिस लीवरेज पे जो क्वेश्चन है अगर तीनों लीवरेज किसी क्वेश्चन में है तो वो आपको तीनों पढ़ने के बाद देखना है बाकी इंडिविजुअल क्वेश्चंस को देखेंगे. छोटे छोटे एग्जांपल्स कम करेंगे फास्ट ट्रैक है ना. अगर छोटे छोटे एग्जांपल्स पे जाएंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. तो मैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन से भी बड़े क्वेश्चंस को उठाऊंगा पास्ट ईयर से भी बड़े क्वेश्चंस कराऊंगा और इलस्ट्रेशंस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो हम पूरी तरह से करेंगे. पास्ट ईयर में मैं सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना जो हमारे अटेम्प्ट में अपीयर हो सकता है राइट. तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला एंड दैट इज आवर ऑपरेटिंग लीवरेज. चलो विल स्टॉप हियर टुडे. फ्रॉम नेक्स्ट क्लास हम यहाँ से क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे. एक्सप्लेनेशन पार्ट को मैं थोड़ा शॉर्ट रखूंगा आज भी शॉर्ट रखा है. मैं क्रिस्प आपको बता रहा हूँ फास्ट ट्रैक के पॉइंट ऑफ व्यू से. हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करें. आज तो आपका ये पहला क्लास था तो शुरू में बहुत कुछ आपने सिलेबस के बारे में सब्जेक्ट के बारे में बातें करी उसके बाद आप अपने टॉपिक पे आए थे अगली क्लास से. लेकिन आपका ये समरी नोट्स बनता जाएगा राइट. बहुत इन डेप्थ हम नहीं जाएंगे बट आपका समरी नोट्स बनता जाएगा. जब इन डेप्थ जाने की जहाँ तक बात है तो हम इतना जरूर कवर करेंगे कि हमसे क्वेश्चन ना छूटे. और जितना भी क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंट किया है ना इंस्टीट्यूट ने आज तक FM के क्वेश्चंस में उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन क्लास में होगा. तो आपको बहुत ही अटेंटिव रहना है और कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली लेक्चर्स को व्यू करना है देखना है समझना है और मेरे साथ बने रहना है ठीक है. मिलते हैं कल के क्लास में. कल हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे. व्हेन आई से कल तो इसका मतलब आप समझ जाना कि अगली क्लास की बात हो रही है. तो जैसे अगर संडे है तो फिर मंडे तो अब समझ जाना आगे से मैं हमेशा कल ही बोलूँगा करेक्ट. तो सी यू नेक्स्ट क्लास. कीप वॉकिंग हार्ड कीप शाइनिंग. कोई दिक्कत हो यू हैव माई नंबर ड्रॉप माई व्हाट्सएप. बाय बाय टेक केयर सी यू.